आज का व्लॉग यहाँ से स्टार्ट होता है। तो आज मैंने बनाई है घिया की, ये देखिए, मतलब हलवा सा है। बर्फी तो मैंने उसमें तो बहुत टाइम लग जाता है, तो घिया पड़ी थी और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने बीच में बनाई थी ना, बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी उनको, तो मैंने रख दिया सुबह सुबह ये बड़ी कढ़ाई में। और यहाँ पर छुक गई है मेरी कढ़ी, तो आज मैं बनाऊँगी कढ़ी और रोटी। दही रखी थी काफ़ी दिन की, तो मैं सोची ये भी यूज़ हो जाएगी और मेरी कढ़ी भी बन जाएगी। तो रात को मैंने दाल राइस बनाए थे, इसीलिए मैं बनाऊंगी अब कढ़ी और रोटी। तो यहाँ पे मेरी घिया की और बन जाएगी, तब दिखाऊंगी आप लोगों को। बस मैं अभी नहाने जाऊंगी, काम हो गया पूरा मेरा, तो इसमें तो देखो टाइम तो लगेगा ही, ये देखो। और कल का मेरा फास्ट भी रहेगा, तो मैं उसमें भी उठा के रख दूंगी थोड़ा सा दिन के लिए। सो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग स्टार्ट होता है नीचे से और हम लोग जा रहे हैं बच्चों को लेने स्कूल। तो बस मैं फटाफट नहा के आई और ये वाली ऑल टाइम फेवरेट पहन लिया मैंने अपनी। तो चलिए, जब तक गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा, तो मैं बना के आई हूँ कढ़ी और घिया का हलवा। तो अभी तो रखा गैस पे, टाइम लगेगा, मोनी को बोल के आई हूँ, वो चला देगा, पति देव करेंगे ड्राइव, हम लोग जाएंगे बच्चों को लेने। नोनू का टाइम हो गया, वेट तो कर ही रहा होगा वो। सारा यार, आदमी शादी के बाद सिर्फ बच्चों में रह जाता है भाई। बच्चों में जो तुमने मेरे तो सपने दिखाए थे ना, पता नहीं कब पूरे करोगे बाहर ले जाने का। तो यशु जल्दी हो गया ना होती, मतलब शादी से पहले आदमी के सोचा नहीं कि होगा वो होगा, हो गया एक बच्चा होते एक सारा सब कुछ चेंज। शादी एक साल भी हो गया, सब कुछ चेंज यार है। शादी एक साल भी हो गई, यशु एक साल से 14 रहे, तो 17 की एनिवर्सरी थी हमारी 14 ने, यशु वाली 6 साल की हो जाएगी, यशु 6 साल की हो जाएगी, बताओ। मैं यकीन भी नहीं होता, 8 साल 7 साल कंप्लीट हो जाएंगे शादी में, यही निकल जाएगा टाइम। मैं तो कुक का वेट करता हूँ, अब आ लो और बता दो लेके माने बनाया काम को मेरा सारा पड़ा, फ्रेंड्स देख लो। और मैं लेके आ रही हूँ 12:30 बजे नोनू को, आके बनाऊंगी खाना, मतलब चपाती बाकी अभी पूरा काम। आशा भाई आज बर्तन लेट हो गया, आशा तुम को रखी आती फटाफट, बच्चों कपड़े वपड़े तो करिए ही। मैं आज करिए, मैंने हेयर वॉश भी कर लिया आज मैंने, तो कल यशवी का स्कूल भी जाना है, ड्रेस भी देखने की पहनना है यशवी का स्कूल वर्क। क्या पहनूँ, वन पीस पहनूँ कुर्ती? सो गुड मॉर्निंग गाइज, हो चुकी है नेक्स्ट डे, मैं ले आई हूँ अपनी चाय, तो मैं अकेली पी रही हूँ, बाकी कोई तो है नहीं, तो मैं उठी हूँ, मैं अपनी बना के ले आई हूँ। सो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो आज की गुड मॉर्निंग मेरी हो चुकी है 8 बजे, मैं नहा के हो चुकी हूँ रेडी और ये वाली कुर्ती वेयर करी है मैंने। तो आज है मेरा नवरात्रि का व्रत, आज है 7वां व्रत। तो आप भी बज गए 8:10 एक्चुअली आ गए ये वाली घड़ी। तो आज जाना है यशवी के स्कूल, तो उसका टाइम का कुछ है तो मैं दिखाऊंगी। और बहुत बड़ी राई में यार आज जाना स्कूल में, तो मैं 7 बजे ही उठ गई थी, मैंने ब्रेकफास्ट भी बना लिया, इनका चाय भी पी ली थी और मैं नहा के भी आ गई, अभी करेंगे पूजा। तो चलिए माता रानी का आशीर्वाद लेते हैं, है ना, तो चलिए। तो गाइस अभी आ गई हूँ मैं मंदिर में, यहाँ चल रही है मेरी तैयारी पूजा की। तो ये देखिए, मैं अभी ज्योत बत्ती निकाल रही हूँ और बनाऊंगी, फिर उसके बाद लगाऊंगी, कि एक्चुअली वो ख़त्म हो गई तो लेके आनी थी, तो मैंने अपनी निकाल के बना ली है। तो यहाँ पे मैं अपने घी भी, मतलब पूरा प्रॉपर अपनी तैयारी करूँगी पहले। तो मन को अगर शांति चाहिए ना, तो ये जगह, मतलब आप कभी भी आ सकते हो, अगर आपका दिल बेचैन है कुछ भी है, तो मतलब ज्योत शांति यहाँ के मंदिर में आपको मिलती है, कहीं पर भी नहीं मिल सकती। तो ये देखिए, बस मेरी तैयारियाँ हो चुकी है, अभी करेंगे पूजा, तो मेरी बस तैयारियाँ। और सुबह सुबह बस काम ही यही होता है यार, फटाफट यूँ लगता है कि जिस दिन व्रत हो या फिर फटाफट बस पूजा करो, और शांति भी मन को मिलती है और अच्छा भी लगता है। तो यहाँ पे बस पूजा की तैयारियाँ करके फटाफट निकलना है, यशवी को स्कूल लेके जाना है आज, तो उसके स्कूल में कुछ फंक्शन सा भी है, तो अच्छा लग रहा, थोड़ी सी नर्वसनेस भी हो रही है क्योंकि यशवी जा रही है और राइम गाएगी फर्स्ट टाइम, तो देखते हैं कैसे क्या होता है। सब कुछ छोड़ दिया माता रानी के ऊपर, बस माता रानी अपना आशीर्वाद बनाए रखना, और जैसे भी हो सब कुछ, बस अपना हाथ हमारे सिर पर हमेशा बनाए रखना। तो ये थी मेरी आज की सुबह की रूटीन, क्योंकि सुबह सुबह मैं उठ गई थी आज जल्दी और जाना था, तो ये सब तो करना ही था। यहाँ पे हो गया मेरी पूजा, तो ये देखिए बस आरती चल रही है यहाँ पे, और मैं सुबह ना फटाफट अपना काम कर रही थी, क्योंकि मुझे यूँ था कि स्कूल जाने से पहले बस मैं अपना काम निपटा लूँ, तो यही था। और यहाँ पर हो गया मेरी पूजा, तो बस यहाँ पर ये देखिए मैंने आरती अब मैं दूँगी, तो पूजा कम्प्लीट हो चुकी। सुबह सभी हो गई है मेरी पूजा, तो ये लीजिए ये सबके लिए आरती, माता रानी सबके घरों में आए, सबकी खुशियाँ दे और सबकी मनोकामना पूरी करे, तो बोलिए जय माता दी। तो पूजा हो गई है मेरी यहाँ पे कंप्लीट, तो अभी चलते मैं होंगी रेडी, 8:10 हो गए, बच्चों को उठाऊंगी क्योंकि जाना है यशवी के स्कूल और मैं अभी रेडी नहीं हुई हूँ, तो बस मैंने कुर्ती पहनी है नहा के, तो अभी मैं होंगी रेडी और फिर चलिए चलते। हेलो, तो गाइस यहाँ हो गए दोनों बच्चे रेडी, उन्होंने पहले स्पाइडरमैन के सैंडल पहनाऊंगी, यशवी भी रेडी होगी, चलो भाई चलो।
आजा बेटा जा जा करिया जा, हाथ जोड़िया माता रानी के आगे। हाथ जोड़ के जाते ना, युग भगवान जी मुझे सब कुछ देना, आशीर्वाद दो मुझे। हाथ जोड़ ले, चलो शूज रिमूव करके करते बेटा, अब तो तूने पहन लिया, चल दूसरा जोड़ चल। हाँ सो गाइज, हो गई हूँ मैं रेडी और बच्चे भी मैंने रेडी कर दिए। नाश्ता तो बस इन्होंने ऐसे ही खाया था, मैंने एप्पल कट करके रख लिया था तो पता देव को भी खिला दिया था वैसे तो, बट सुबह सुबह हो जाता ना थोड़ा सा बच्चों के लिए हो जाता है नर्वसनेस से, तो वही हो रही है। और यशवी को पूरी रटवा दिया भाई स्कूल में, देखो यशवी क्या करेगी। तो बस अभी चलते हैं, तो मैं रेडी हो गई, 9:15 हो गया टाइम, तो अभी बस हो गया यशवी का टाइम, तो चलिए चलते हैं, वहीं मिलूंगी आप लोगों से। हाँ तो स्टेज से नहीं जाते अकेले, कैसे कम बेबू आज क्या हो गया, चलो क्या करते हैं हम दोनों, चलो घर आ गए। अच्छा क्या बेबू मजा आ गया देख के, सो गाइस आ गए घर हम लोग, फंक्शन बड़ा अच्छा था, मजा आया देख के, पता नहीं मैं ऐड करूंगी या नहीं, देखूंगी पहले, अगर मेरे को लगा तो करूंगी। तो अभी जस्ट घर आए हम लोग 2.5 घंटे बाद, बस बहुत बड़ी टाइम छुट्टी है योगी मेरी पूरी। तो वैसे अभी आगे हम लोग घर और मैं नाश्ता दूंगी, तो यहाँ पे मैंने कल मैंने दाल मखनी मंगाई थी शाम को, वो गर्म कर लिया, और यहाँ पे मैं लूँगी अपनी चाय, बना तो गई थी बट मैं पी नहीं पाई, तो यहाँ पे दोनों के एप्पल, उसने तो खाया नहीं, मैं ही ले लूँगी। लोगे दाल मखनी, पराठा भी है उसमें ले लो। तो यहाँ आ गया मेरा दूध, तो दूध और डोसे का बैटर ये मंगवाया था मैंने, मम्मी ने ऑर्डर करवा दिया था जैसे बोल के, तो मैंने इकट्ठा ही मंगवा लिया, 3-4 से 2-3 दिन मंगवाना नहीं पड़ेगा अब, है ना। सो ये गाइस अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ और टाइम हो गया 1, तो हाँ पूरा प्रॉपर 1 बज गया, ये देखिए आपको दिख रही होगी घड़ी मेरी, ये देखिए पूरा 1 बज गया। तो बस हम लोग स्कूल से आए और तब तक मेरा झाड़ू पोछा बर्तन, मतलब आशा वरना कोई सी भी नहीं आई थी, तो उसके बाद फिर वो 12:30 बजे आके बस मैंने इन दोनों को ब्रेकफास्ट कराया, मैंने बना तो लिया था सुबह बट खाया नहीं किसी ने भी, तो आके वो बनाया अपने लिए चाय बनाई, तो मेरा भी व्रत था, व्रत खोल के गई थी तो आके चाय बनाई। अभी मैंने छोके हैं इन लोगों के लिए राइस, क्योंकि कल की ना दाल बची हुई थी जो मंगवाई थी दाल मखनी, तो मैंने पराठे सेक दिए थे और वो खिला दिए थे इन लोगों को, तो अभी मैंने राइस छोके इन लोगों के लिए, क्योंकि पराठे दिन में भी हो गए थे तो ये बोल रहे थे। अभी मैं नहा के आई हूँ दोबारा, तो सुबह नहा ली थी मैं, अभी फिर से नहा के आई हूँ, तो यहाँ मैंने छोक दिए हैं राइस इन लोगों के, और यहाँ पे मेरी भुन रही है शकरकंदी, तो ऐसे ऐसे कौन शकरकंदी भुनता जरूर बताना। तो ये देखो पूरी एकदम, मतलब ये वाली तो हो ही गई है, और इसमें एकदम ना चूल्हे का टेस्ट आता है, मैं आप लोगों को बताती हूँ कि शकरकंदी अच्छे से धुल लो आप लोग, तो उसको बस तवे पे ऐसे ही एकदम कम गैस करके और ढक दो, जो बर्तन इसे कवर हो जाए ना पूरा ऐसे, तो ये मतलब आधा घंटा पौन घंटा लगता है, बट इसका टेस्ट ऐसा है जैसे गाँव में चूल्हे पर बनती है ना सेम वैसा ही, और ये नीचे से ऐसे ही जल भी जाएंगे। देखो मैं आप लोगों को गर्म है, मैं अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखिए, मतलब जैसे चूल्हे में आता है ना सेम वैसा ही आ रहा है, ये देखिए, तो इसका टेस्ट मतलब मैं क्या ही बोलूं आप लोगों को, बहुत ही अच्छा आता है। तो ये देखिए मैं नीचे की निकाल के दिखाऊं, ये देखो सेम जैसे चूल्हे में भुनती है ना सेम वही टेस्ट आ रहा है इसमें, और ये मैंने मेरे खुद के लिए व्रत के लिए, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसको रखे मेरे को आधा घंटा हो गया है, तो बस आज मेरा हाथ लग रहा खाली खाली, क्योंकि कल वैक्स कराई थी ना मैंने, नाल हटा दिया था, आज मैं बांधूंगी नाल, तो उसके बिना मेरे को देखो सरता नहीं है। तो मेरा शुरू से ही स्कूल टाइम से अब तक मैंने अपने नाल से हाथ बांधने हटाने नहीं दिया, और ये देखो इसका निशान मतलब आप लोगों को दिख भी रहा होगा पूरा, ये देखो। तो अब मैं जा रही हूँ नाल बांधने, निकाल रही हूँ मैं अपना मोली, मतलब नाल भी बोलते हैं इसको, और मैं बांधूंगी हाथ पे, तो पति देव बोल रहे हाथ खाली खाली लग रहा है, तो मैं बोल रही हूँ गोल्ड का कुछ दिला दो जो मैं पहने रखूँ कंटिन्यू, क्योंकि साथ में चूड़ी ना पहनी नहीं जाती, मैं बाहर जाती हूँ तो फिर अच्छा नहीं लगता दोनों हाथों में, एक में रखती हूँ एक में, इसलिए एक में नाल बांधूंगी नाल। पता पति देव स्कूल टाइम से मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, मैंने हमेशा बांधा बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा किस छोड़ दे हाथ में लग जाएगी, छोड़ दे। सो
कॉलेज यहाँ चल रहा है मेरा नाल का, तो ये ना इसमें इलाज किया था, मैं खोल रही इसको, मैं बांधूंगी हाथ पे, तो मेरे एक हाथ में तो कड़ा रहता है, एक हाथ खाली खाली लग रहा है, कल वैक्स कराई थी ना तो टूट गया, तो इसीलिए खाली खाली लग रहा है, मैं बांधूंगी नाल, पति देव को बोल कर रही हूँ गोल्ड खिला दो परमानेंट, मैं इस हाथ में बांधूंगी फिर तब तक ये नाल ही रहेगा। मेरा पूजा का भी जो नाल है ना, मैंने इतना शौक है नाल का, बंदा ना वो मेरा हमेशा बंदा ही रहे इतने जब तक खुद से नहीं खुला। मेरे को भी भाई मैं से बांध लूं, नाल बहुत पसंद है, स्कूल टाइम से ही है मैंने, हां तो बांधा पूरा तुड़वा दिया। सॉरी पिज्जा आ गया तेरा, इन्हें भी खिला लोगे हैं, तभी इतना लेट हो गया। अच्छा डोमिनोज में लड़के भी आने लगे क्या डिलीवरी का, अच्छी बात है यार। तो देख लो गाइस मैंने राइस भी छोक दिए थे और यहाँ पिज़्ज़ा भी आ गया, कोई और भी आया क्या? अच्छा ये एक ही मंगवाया, नहीं तो इस पिज़्ज़ा पे एक घंटा लगा रखा तुमने, ये से खा ले। सो गाइस अभी मैं होगी थी रेडी और मैंने बनाई है चार पांच वीडियो, तो एक कपड़े में ना ज़्यादा अच्छी नहीं लगती यार, तो इसलिए मैंने आज बस दो तीन ही बनाई है, तो एक मैंने उस दिन इसमें अपलोड करी थी, तो ये कुर्ती मैंने पहनी तो थी बट नई की नई रह गई थी, इसलिए मैंने आज वापस से मैंने अपना मेकअप करा और मैं रेडी भी हुई हूँ। तो मैंने एक हाथ में वॉच पहनी है और एक हाथ में पहनी है चूड़ियाँ मेटल वाली सेम कलर की, तो मैंने आज चार वीडियो बनाई है, तो एक ड्रेस में मतलब चार पांच वीडियो ठीक रहती है यार, मैं भी खुद डालती डालती बोर हो जाती हूँ। तो ये था मेरा आउटफिट सेकंड और आज का तो शायद थर्ड हो गया है, तो पहले मैंने वो वाली पहनी थी फिर सूट पहना, अभी मैंने ये वाली करी है, तो अभी करूँगी मैं चेंज क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी, तो चार पांच वीडियो बन गई है मेरी, तो बस मिलूंगी थोड़ी देर बाद और थकावट देखो हो जाती है। मैं एक बार तो मैं सोई गई थी और मैं फिर इनका पिज्ज़ा आ गया तो बेल बजी, तो फिर मैं उठ गई थी, उसके बाद फिर मैंने सोचा कि वीडियो बना लेती, तो अभी मैंने वीडियो पसीने देखो मेरे, मतलब अगर फोन में दिख रहे होंगे तो ये देखो पूरा मतलब पसीना पसीना, क्योंकि डांस की एक वीडियो बना लो यार तो पसीने आ ही जाते हैं। तो चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर बाद, पहले मैं कर जाती हूँ चेंज। सो है गाइस अभी मैंने कर ली अपनी पूजा, तो बाकी लोगों के लिए बनाई है मैंने आलू की सब्ज़ी तो ग्रेवी वाली, और मैंने मेरे बनाए हैं सामक, तो ये इकट्ठे ही छोक लगा दिया था मैंने, इसी मैंने बॉयल आलू भी डाले हैं और ये मेरे हो जाएंगे। उसके साथ बनाई है मैंने सामक की खीर, तो खीर बस मैंने इतनी बनाई है एक कटोरी, क्योंकि बाकी कोई तो खाएगा नहीं, तो बस अभी मैं करूँगी पहले अपना व्रत खोलूँगी, पूजा मैंने कर ली है मेरी और अभी लगा के आऊँगी पहले भोग, तो चलिए अपना व्रत खोलते हैं फिर मिलते हैं आप लोगों से।